हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक नया प्रोडक्ट जो मैंने अभी खुद ट्राई नहीं किया है। ये है हॉलीलैंड का लार्क 150। ये है एक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। तो गाइस, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं हूं प्रवीण भट्ट, आई एम अ सेलिब्रिटी फैशन फोटोग्राफर एंड डायरेक्टर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। और दोस्तों, मैंने बहुत सारे माइक पहले यूज किए हैं, बहुत सारे वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के माइक यूज किए हुए हैं। हॉलीलैंड का जो लार्क 150 है, ये थोड़ा कुछ डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है। क्यों है, आओ उसको खोल के ट्राई करते हैं। तो जो लार्क 150 है, ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है मैं आपको बताता हूं। जब आप इस बॉक्स को खोलते हैं, इस बॉक्स को खोलने के बाद अंदर आता है ये दूसरा बॉक्स जिसके ऊपर हॉलीलैंड की ब्रांडिंग हो रखी है और लार्क 150 इस पे मेंशन्ड है। एंड बहुत ही छोटा है, आप आइडिया ले सकते हैं मेरे हाथ के साइज से कि बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल है। और गाइस, जो ये केस है, बेस्ट चीज क्या है इसके बारे में, ये आपको खुद चार्ज कर देता है सारी चीजें जो इसके अंदर। अगर मैं इसको खोलता हूं तो इसके अंदर जो रिसीवर है, एक ये सारा का सारा जो है, आप ये लाइट्स देख सकते हैं, इसके अंदर डिस्प्ले आ रहा है और ये खुद ही जैसे आप इसको बाहर निकालते हैं, ये ऑटोमेटिकली पेयर तो हो ही जाता है, बट जैसे ही आप इसको वापस डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगता है। और ये जिसका भी आइडिया था, बहुत ब्रिलियंट है, बिकॉज हम जो ट्रैवल करते हैं, इतनी सारी तामझाम वैसे ही माइंड में होता है, मोबाइल चार्ज करना है, आईपैड चार्ज करना है, कैमरा चार्ज करना है, इतने चार्जर्स हैं सब चीजों के। तो आई थिंक ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि एक ही बॉक्स है जो खुद चार्ज होता है और उसके अंदर आपके जितने भी इसके अंदर रिसीवर हैं वो सब एक टाइम पे चार्ज हो जाते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इसके अंदर जैसे जो रिसीवर है, इसके अंदर आप दोनों स्टीरियो और मोनो दोनों के दोनों मोड ट्राई कर सकते हैं। ये है वायरलेस ट्रांसमीटर, आप साइज देख सकते हैं, ये देखिए कितना छोटे साइज के हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं। आप इसको बाहर निकालते हैं, रिसीवर को बाहर निकालते हैं, कैमरा के ऊपर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत सिंपल चीज क्या है कि क्लिप है, आपने इसके अंदर लगाई, यू गो, रेडी टू यूज है। तो बहुत ही सही है, बहुत ही अमेजिंग आइडिया है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि बाहर निकालते ही ऑटोमेटिकली पेयर तो हो ही जाते हैं। इसके अंदर लैब माइक के साथ साथ इनबिल्ट माइक भी है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये आपको जो है, देखें अगर आपको नजर आ रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये इनबिल्ट माइक भी है इसके अंदर, जो कि मुझे लगता है एक हैसल फ्री काम है। वायर्स का झमेला नहीं है, वायर्स का पंगा नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक आइडल सेटअप है, एक मैं कहता हूं मस्ट हैव सेटअप है उन लोगों के लिए जो कि व्लॉगर्स हैं। आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और आपको लगता है कि ऑडियो के साथ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली चीज है। इसके साथ साथ और क्या आता है ये भी चेक कर लेते हैं, बॉक्स के अंदर निकलता क्या क्या है। तो ये पेपर वर्क वगैरह तो है जो कि हॉलीलैंड की तरफ से है। ये है एक अलग से बॉक्स छोटा सा जिसके अंदर मुझे लग रहा है सारा। ऑलराइट, ओके, तो ये है एक स्मार्ट बैग लार्क 150 बाय हॉलीलैंड मार्किंग के साथ, और आई थिंक इसी के अंदर है हमारे चार्जर और सारे तामझाम जो है जरूरी। तो ये है इसका एक चार्जर जो साथ में आया है, ये है एक सी केबल, ये हम रखते हैं साइड में। ओके, साथ में निकले हैं ये दो डेड कैट्स, ये मुझे लग रहा है, अरे वाह, ये है माइक अटैचमेंट्स आपके वायरलेस के, बड़े ही, अगर आप ये देखेंगे जब मैं आपको पहले दिखा रहा था तो माइक के साथ ये एक होल बना हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। तो ये जो डेड कैट्स हैं ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली ही क्लिप इन हो जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छे से प्लग इन हो गए हैं। तो अगर आप इसको आउटडोर यूज कर रहे हैं, तार वार का झमेला यूज नहीं करना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इन्होंने एक बहुत स्मार्ट पिन दिया हुआ है जो अपने आप अंदर क्लिप हो जाएगा और आप इसको आराम से, जैसे मैंने बताया कि आप लगाएं और इसको आप सीधा शूट पे लेके जा सकते हैं। तो ये है बैग के अंदर और है साथ में हमारे को ये दो लाइव माइक्स, ये वायर्स हैं जो कि आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। और निकलता है इसके अंदर एक वायर जो कि आपके रिसीवर से सीधा कैमरा के अंदर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके साथ आपको मिलती हैं। अब एक काम करते हैं, मैं आपके साथ ही ये एक तो ऑडियो टेस्ट करते हैं। अभी इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं, कुछ ज्यादा सेटिंग वेटिंग चेंज ना करते हुए इसको मैं अपने कैमरा में लगाता हूं, तो एक ऑडियो टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा आ रहा है। ऑलराइट, तो ये जो भी ऑडियो आ रहा है ये डायरेक्ट आ रहा है मेरे रिसीवर से, लार्क 150 से। कैसा लग रहा है आपको इसका साउंड, आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर हम इसको उतार देते हैं
ओके तो ये है विदाउट द डेड कैट। मुझे लगता है ये आउटडोर सिचुएशन में जब हम आउटडोर होते हैं, बहुत विंड चल रही होती है, बहुत विंडी है, उस टाइम पे इसको यूज करें तो बहुत ज्यादा फायदा रहता है। इसको हम ऊपर भी लेके चलते हैं, एक बार बाहर आउटडोर में लेके चलते हैं, देखते हैं कि आवाज आपकी कैसे आती है। अपना कुछ भी अजम्पशन करने से पहले इसको यू नो ऑडियो को माइंड में रखते हुए ये जरूर रखेगा कि मैंने अभी इसमें कोई सेटिंग नहीं की है, मैंने कोई अभी इसमें कोई छेड़छानी नहीं की, मैंने प्लग इन करके मैं आपको इसका ऑडियो सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बाद में आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि ऑडियो को आप थोड़ा सा खेल भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट सीधा हैंड्स ऑन रिव्यू मैं बोलूंगा कि मैंने लगाते ही आपको इसका ऑडियो सुनाने की कोशिश की है। तो चलें इसको एक बार बाहर भी लेके चलते हैं। ओके तो माइक टेस्टिंग वन। तो ये जो है मेरे कैमरे के इनबिल्ट माइक पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वॉइस की, और मैं चाहता था आउटडोर सिचुएशन में आके जैसे हम आउटडोर व्लॉग कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो आपको डिफरेंस पता चले। तो ये है कैमरा की इनबिल्ट वॉइस। ऑलराइट तो लार्क 150 मैंने कर दिया है क्लिप। ये जो साउंड है सुन पा रहे हैं, ये है अटैचमेंट के बाद। तो जैसे मैं पहले टेस्टिंग शॉट में पीछे जा रहा था, आपको इनबिल्ट कैमरा की आवाज़ सुना रहा था। अभी जो है यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं जितना पीछे जा सकता हूँ दिखाने के लिए कि साउंड क्या रहता है अगर हम बाहर आउटडोर व्लॉगिंग कर रहे हैं, और बाहर व्लॉगिंग के साथ साथ अगर हम दोनों दूसरे बंदे को भी देते हैं तो इंटरव्यू करने के लिए, जब आप वॉक कर रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए भी आपके बहुत काम में आता है। और जो साउंड क्वालिटी है, जैसा आप सुन सकते हैं अभी, तो साउंड क्वालिटी ये है जो कि लार्क 150 से डायरेक्टली। और गाइज मतलब जो बेस्ट चीज़ क्या है ना, मैं देख रहा हूँ कि बस मतलब ये लगाया, ऊपर क्लिप किया और आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं बहुत आसानी से, विच आई थिंक इट मेक्स द जॉब वेरी इजी। जितने भी हम व्लॉगर्स हैं, यू नो इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, यूट्यूब वीडियो बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो आज का, नीचे लाइक कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से ये जो लार्क 150 है ना, ये एक गेम चेंजर है बिकॉज ऑफ द साइज, द पोर्टेबिलिटी और जो इसका ईजी टू यूज़ जो प्रोसेस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने जैसा पहले बताया कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, वीडियो ब्लॉगर्स हैं, उनके लिए एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है, और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स को ये कंपटीशन देने वाला है। आपको कैसे लगा नीचे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। एंड जाने से पहले बेल आइकन जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ। थैंक यू, बाय बाय।